जो तू कहे तो इश्क मुर्शिद मेरा। ठीक समझो इस बात को, मैं वहां जाऊंगा सिचुएशन और खराब हो जाएगी, तुम्हारा जाना भी ठीक नहीं है। मैं एक लीगल तरीके से इस पूरे मैटर को देख रहा हूं, थोड़ा टाइम दे दो प्लीज। तुम जा नहीं सकते और मैं अब रुक नहीं सकती। शिप्रा देखो जज्बाती होगी। मुझे यकीन है बेटे तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की होगी। काश की होती, नहीं की मैंने। हमें अपनी गलतियों का एहसास है और हम उनकी पार्टी छोड़ रहे हैं। ये बिल्कुल अपनी माँ पे ही है। He hates the corrupt। मैंने तुम्हारी माँ को नहीं मारा, लेकिन उसकी मौत का गुनहगार सुनो। जितनी मोहब्बत की थी आज उतनी नफरत होती। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल इश्क मुर्शिद के सेकंड लास्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स, हम टीवी के बाकी ड्रामों की तरह इश्क मुर्शिद का भी यकदम एंड हो गया और अभी व्यूअर्स अभी और एपिसोड्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद ये ड्रामा आगे चलेगा, लेकिन एंड उनका यकदम हो गया। व्यूअर्स, जिन बंदों ने शिब्रा के ऊपर गोली चलाई थी, पुलिस उनको मीडिया के सामने पेश करेगी और वो सारे इल्जामात जितने भी उन्होंने गलत काम किए थे वो शिब्रा के बाप की पार्टी के ऊपर डाल देंगे और खुद को पार्टी से मुस्ताफी कर देंगे। व्यूअर्स, शिब्रा के बाप की बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी और लोग उसे करप्ट समझने लगेंगे कि बज़ाहिर तो ये ईमानदार बना फिरता था लेकिन अंदर से कितना करप्ट निकला। शिब्रा का बाप बदनामी के ये दाग सह नहीं सकेगा और वो सुसाइड कर लेगा और सेकंड लास्ट एपिसोड में उसकी डेथ हो जाएगी। दूसरी तरफ हारून बेग शामीर के कान पूरी तरह उसके बाप के खिलाफ भर देगा और शामीर के बाप को जेल में भी डलवा देगा। शामीर का बाप शामीर को मुसलसल ये यकीन दिलाने की कोशिश करेगा कि हारून बेग तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है, जितना कुछ भी किया है सब हारून बेग ने किया है लेकिन तुम समझ नहीं रहे। व्यूअर्स, आपको क्या लगता है इस ड्रामे में हारून बेग का क्या अंजाम होने वाला है? अपनी राय का इजहार कीजिए।